हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार चैनल। आज हम फिर से आ चुके हैं यादव डेयरी फार्म पर, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी भारी भरकम बड़ा लॉट गिर का जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, इनके बारे में हम एक एक गाय के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, ज़्यादा लोग हमारे चैनल और डेयरी फार्म से जुड़ सकें, अच्छी से अच्छी गाय खरीद सकें, अच्छी गायों के बारे में जानकारी ले सकें। तो ये देखते हैं, तो गाय दिखाने से पहले बात करेंगे जयभान भैया से। नमस्कार भैया। आप सभी चैनल के माध्यम से किसान मित्रों को और आपको भैया सबको नमस्कार जी। तो आज भैया कौन सी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध? आज भैया गिर गाय उपलब्ध है। गिर गाय, तो कितनी गाय होंगी? लगभग 8 गाय हैं। 8 गाय जी। तो ये कब आई हुई? ये आज ही रात में होती। आज रात में आई। तो सबसे पहले आप अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए। अपना एड्रेस भैया गोसाईगंज ब्लॉक पुलिस चौकी के पास जी। ये अपना जेल रोड पे जो है डेयरी फार्म पड़ता है, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश जी। तो एक बार अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। कांटेक्ट नंबर हमारा है 9198131513 जी। दूसरा नंबर है 9984741348 जी। और तीसरा नंबर है 8354953845 जी। तो चलिए पहले गाय दिखाते हैं, बाकी जानकारी बाद में। तो ये देखते हैं आप लोग पहली गाय, तो भैया इसकी क्या डिटेल है? ये गाय दूसरे ब्यात में है भैया। दूसरे ब्यात में जी। और बछड़ी को जन्म दिया। बछड़ी को जन्म दिया। कितना समय हो गया बच्चा की इसको? ये बच्ची जो है कल के की हुई है। कल के नीचे, इसके नीचे बछिया बछड़ा? बछड़िया। इसके नीचे बछिया? बछिया है। तो ये देखते हैं दूसरे ब्यात में इसने बच्चा, बछिया बहुत शानदार है। बछिया तो देखिए आप, इतना एक नंबर की है जी, बहुत। ये देखिए, ये देखते हैं बहुत ही बेहतरीन। और भैया कितना दूध अभी इसके पास तैयार है? ये दूध भैया आपको 14-15 लीटर कर देगी। 14-15 लीटर कर देगी? 14-15 लीटर कर देगी। बहुत भारी भरकम गाय है जी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। सीधाई के मामले में जो है एक नंबर की गाय जी। ये देखते हैं एकदम सीधे शांत बच्चे, बच्चा हटा के तब भी जो है आप ऐसे भी बैठ के जो है जी सकते हैं। गुजरात की गायों का यही क्वालिटी है जी, बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बनाए हुए, ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए 14-15 लीटर भैया बता रहे हैं दूध आराम से कर देगी। तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो भैया इसकी गाय टेल हुई? ये भैया दूसरे बयान की है। दूसरे बयान की? हाँ, 10 से 12 दिन ले जाएगी, और स्वभाव में बहुत ही सीधी और शांत है। 10 से 12 दिन का समय लेगी? जी जी, 10 से 12 दिन का समय। तो ये देखते हैं भैया बताएं, 10 से 12 दिन का समय लेगी, बहुत ही बेहतरीन भारी भरकम गाय है, ये चेक कर सकते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं भैया दूध किससे? ये दूध भैया लगभग मान के चलिए 12-13 का रेशियो रहेगा इसका। 12-13 लीटर कर देगी खूब आराम से? तो ये देखिए भैया बता रहे हैं 12-13 लीटर खूब आराम से कर देगी, बहुत ही बेहतरीन भारी भरकम गाय, ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे ब्यात में ये बच्चा करेगी। ये देखिए ऑर्डर काफ़ी बेहतरीन बनाए हुए, थनों का गैप चेक बहुत अच्छा था इसका, जो गैप है जी, थनों का गैप और दूरी ऑर्डर, जो क्वालिटी बनावट है भैया बहुत ही नंबर एक जी। तो सब बहुत ही बेहतरीन है। तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो भैया इसकी गाय टेल। ये भैया काबरे गोत्र की गाय है जी, और दूसरे बयान की है। दूसरे बयान की? दूसरे बयान। तो अभी कितना समय लेगी ये भैया? ये भी मान के चलिए भैया 15 दिन समय ले लेगी। 15 दिन का समय लेगी। तो ये देखते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वालिटी गिर गाय, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही भारी भरकम गाय। भैया थनों का बनावट है जी, और गैप है जी, बहुत ही शानदार है। आप समझिए कि 1000 में कहीं एक आध गाय ऐसी देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये देखिए काफी भारी भरकम गाय दिख रही है, ये चेक कर सकते हैं। और कान क्वालिटी, मत्था चेक कर सकते हैं, टॉप क्वालिटी गिर गाय। ये देखिए गाय स्वभाव में इतनी सीधी और शांत है जी, लाजवाब है भैया, बेजोड़, ये कोई जोड़ नहीं है जी। ये देखिए ऑर्डर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर एक का गाय है भैया। ये देखिए, तो क्या उम्मीद करते हैं भैया दूध किस? गुजरात में तो भैया ऐसी गायों को लोग 20-22 लीटर बता के बेचते हैं जी, लेकिन हम 15 का उम्मीद करते हैं। 15 का उम्मीद करते हैं। तो ये देखते हैं, हमको भी जो है लोगों ने बताया कि भैया 20 लीटर दी है, 20 लीटर देगी, हम क्या ठीक है, देसी नस्लों में हम 15 से ऊपर नहीं मानते हैं जी। तो ये देखिए चेक कर सकते हैं आप लोग गाय कितनी भारी भरकम है, ये देखिए। चलो चलो ये देख, ऑर्डर चेक कर सकते हैं पीछे से, ऑर्डर की बनावट, थनों का गैप, सब बहुत ही बेहतरीन। तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, तो भैया इसकी कैटेल है? ये गाय भैया अभी तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरी बार बच्चा देगी? तो अभी कितना समय लेगी बच्चा करने में? ये भैया 15 दिन का समय ले लेगी जी। तो ये देखते हैं सींग की बनावट चेक करिए आप लोग, ये देखिए ये तीसरे ब्यात में होगी, तीसरे बार बच्चा देगी, तीसरे ब्यात में बच्चा करेगी। समय कितना बताएं भैया?
ये 15 दिन का समय, 15 दिन का समय लेगी जी। तो ये देखिए 15 दिन का समय लेगी, तीसरे ब्याह में बच्चा करेगी। काफ़ी बेहतरीन गाय दिख रही, सींग की बनावट देखिए, बहुत ही भारी सींग दिख रहा है इसका। कान क्वालिटी सब बहुत ही बेहतरीन, टॉप क्वालिटी गुजरात की गिर रही है। और ये क्या गाय भैया, गाय तो बहुत सी देखी होंगी आपने जी, ऐसी गाय बहुत कम देखने को मिलती है जी। ये आप मान के चलिए भैया कि जो ब्राजीलियन गिर है जी, इन्हीं गायों का मिक्स करके वो लोग जो है जी गाय बनाए हैं जी। जो ब्राजीलियन गिर है, थनों का आर्डर क्वालिटी सेम वैसे ही बनेगा जी, बहुत लाजवाब, देखने में बहुत ही सुंदर जो है रहेगी जी। तो क्या उम्मीद करते हैं दूध की से? दूध का ये भी जो है 15-16 का रेशियो रहेगा, 15-16 की जी। तो ये देखते 15-16 का रेशियो भैया बताने रहेगा, और बहुत ही बेहतरीन गाय दिख रही है। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी गाय डेली, ये भैया दूसरे बयान की बच्चा देगी अब की बार, दूसरे ब्याह में कितना समय लेगी अभी? ये कम ये से कम 20 दिन का टाइम लेगी भैया, अभी 20 दिन का टाइम लेगी जी। तो ये देखिए सींग की बनावट चेक करिए, कान क्वालिटी, मत्था सब बहुत ही बेहतरीन। कितना समय बताएं भैया? स्वभाव में भी बहुत सीधी और शांत है जी, एकदम सीधी शांत, बहुत सीधी शांत है भैया जी। ये की बात करें तो कोई छोटा सा बच्चा भी अगर बैठ जाए जी, थान पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधी शांत गाय है। ये देखिए एकदम सीधे शांत बच्चे, बहुत शांति गाय। और क्या उम्मीद करते हैं दूध किससे? दूध भैया यही 10-12 रहेगा, 10-12 का रेशियो, 10-12 रेशियो। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गाय ये भी, ये चेक कर सकते हैं, थनों का गैप, ऑर्डर क्वालिटी सब बहुत ही बेहतरीन, सींग की बनावट देखिए। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी गाय टेली, ये पहली बच्चिया है भैया, दो दांत की है, दो दांत की पहली बच्चिया। अभी कितना समय लेगी ये बच्चा करने में? ये 10 दिन समय ले लेगी भैया, 10 दिन का समय लेगी, 10 दिन का समय लेगी। तो ये देखिए भैया बता रहे हैं 10 दिन का समय लेगी, बहुत ही बेहतरीन गाय चेक कर सकते हैं। और क्या उम्मीद करते हैं दूध की से? दूध भैया इसका रहेगा 12 लीटर दूध, 12 लीटर दूध कर देगी। क्वालिटी आर्डर थन बहुत ही साफ और सुंदर, बहुत नंबर एक की बछड़ी है भैया। और क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही माथा हम सींग बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है भैया। ये चेक करिए, ये देख सकते हैं आप। सिधाई के मामले में बात करें तो छोटा सा बच्चा थन पकड़ के बैठ जाए जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। और दूध कितना बताएं भैया? दूध देगी 12 लीटर दूध, 12 लीटर कर देगी, 12 लीटर दूध। तो ये देखिए पहले वैद की बच्चे है, बहुत ही बेहतरीन, ये कान क्वालिटी मत्था चेक कर सकते हैं। और 12 लीटर भैया बता रहे दूध आराम से कर देगी, ये चेक करिए। और बहुत ही सीधे शांत बच्चे है, ये देखिए, ये देख। तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी गाय टेली, ये भी पहली बच्चे है भैया, पहली बच्चे की है, चार दांत की। हाँ। तो अभी कितना समय लेगी ये बच्चा करने में? ये अभी मान के चलिए आप जो है करीब 20 से 25 दिन का टाइम ले लेगी, 20 से 25 दिन का टाइम लेगी। तो ये देखते हैं बहुत ही बेहतरीन गाय ये भी, कान क्वालिटी मत्था चेक कर सकते हैं। और 20 से 25 दिन का समय लेगी, कौन से ब्याह में बताएं भैया? पहली बच्चे है, पहली बच्चे है, ये चेक कर सकते हैं, चार दांत की है जी, चार दांत की पहली बच्चे। और क्या उम्मीद करते हैं दूध की से? दूध ये भी जो है 10-12 लीटर रहेगा, 10-12 का रेशियो इसका भी रहेगा, 10-12 रेशियो रहेगा। तो ये बहुत ये भी 10-12 दूध आराम से कर देगी, ये देख एकदम शांत स्वभाव की जी। इसका सींग जो है मुंदड़ी होगा भैया जी, जो मुर्रा भैंसों का जैसे जाफराबादी भैंसों का घूम के ऊपर को जाता है जी, ये बीच में ऐसे ही जो है इसका मुंदड़ा सींग बनेगा जी। ये मत्था थनों का क्वालिटी, कान आप देख लीजिए बहुत ही शानदार है जी, सिधाई के मामले में एक नंबर, ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाय सीधी बछड़ी जी। तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी गाय टेली, ये गाय भैया लगभग 20-22 दिन की बच्चा दी हुई है, 20-22 दिन की। इसके नीचे बच्चा है, बछड़ा, बछड़ा है नीचे, बछड़े को जन्म दी। तो दूध कितना तैयार है भैया इससे? दूध अभी इसके पास 12 लीटर तैयार, 12 लीटर दूध तैयार है, 12 लीटर तैयार। तो ये देखते हैं कौन से ब्याह में होगी ये? तीसरा ब्याह है, तीसरे ब्याह में बच्चा क्या है? तो ये चेक कर सकते हैं, तीसरे ब्याह में इसने बछड़े को जन्म दिया और 12 लीटर दूध तैयार है। और बहुत ही बेहतरीन गाय चेक कर सकते हैं, सींग की बनावट, कान क्वालिटी, मत्था टॉप क्वालिटी गुजरात की है। तो कुछ बढ़ने की उम्मीद भैया इससे? हाँ, अच्छी सेवा पे भैया जो है अभी लीटर दो लीटर बढ़ा भी देगी जी, अच्छी खिलाई पिलाई पे बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। तो ये देखते हैं भैया बताने 12 लीटर दूध तैयार और अच्छी खिलाई पिलाई पे ये लीटर दो लीटर बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वालिटी गाय। तो ये देखते हैं कुछ इतनी गाय जो बिक्री के लिए उपलब्ध थी, जिनके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी दी, एक एक गाय के बारे में, बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वालिटी गुजरात से आई हुई हैं ये देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, ज़्यादा लोग हमारे चैनल और डेयरी फार्म से जुड़ सकें, अच्छी अच्छी गाय खरीद सकें, अच्छी गायों के बारे में जानकारी ले सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।